वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तिलंग घर दूजा महला पंजवा तुद बैन दूजा नाही कोई तू कर तार कर है सो होए तेरा जोरा तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक तुद बिन दूजा नाही कोई तू कर तार कर है सो होए तेरा जोरा तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक सबे ऊपर पार ब्रह्म दा तारो तेरी टेक तेरा आधारो रहा है तू बनहार आगम आगाद ऊच आपार जो तुद सेवा है तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसा सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सिमर 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 जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरा संसार कहो नानक प्रवलोचा पूरा संत जना के बाश तूरा जिन जपया तिस का बलिहार तिस का संग तरा संसार कहो नानक प्रवलोचा पूरा संत जना के बाशो तूरा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ आगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोला बोलाया तेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह शब्द गुरु तखत शतर चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर
सुभाई मान गुरु सुवारे प्रेमी सत संगी जनो वड्डियां भागां वाले हो आप जी संसारिक जीवन बतीत कर दिया जीवन दे कुछ पल कुछ घड़ियां कुछ सुवास सफले करन वास्ते समर्थ गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जिया नू प्राप्त होया है। गुरवारी कीर्तन गुरु सवारे गुरु के कीर्तनिए आप जी नू सरवन करा के गए हन। अमृत वेले शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे अंदर तखत ते सुभाई मान होके जो मुख वाक हुक्मनामा साढ़े सारिया उत्ते कृपा कीती है पावन शब्द राग तिलंग दे अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का उचारण किया होया ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 723 अते 24 ते सुभाईमान है। पाठ आप जी ने सरवन किया है। आओ विचार गुरु कृपा द्वारा आपां सारे मिलके सांझी करिए। सारे स्रोता जन गुरु चरण अंदर जो आप विराजमान हो या देश विदेश दे अंदर घरां दे विच बह के अपने अपने टिकाणियां ते इस समें नू सफला करन वास्ते शब्द दी विचार नाल जुड़न वाले सारे स्रोता जनों ध्यान एकागर करो सुरतियां नू जोड़ो गज के बोलो सतनाम वाहिगुरु सतनाम। शब्द दी विचार रहाओ दे बंद तो आपा आरंभ करनी है जिस दे अंदर शब्द दा तत् सार दिता होया है। आओ कृपा दे पात्र बनो विचार आपा सारे सरवन करिए जी। सावे उपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेका तेरा आधार सब उपर पार ब्रह्म दा तार पार ब्रह्म ये वाहिगुरु जी वास्ते वर्त्या गया है। दातार सारे जीवा नू दाता देन वाला जिहड़ा वाहिगुरु है सब उपर तो भाव है सारे जीवा दे सिर ते वो आप राखा है। समुची पंक्ति दे अर्थ यो हन हे पार ब्रह्म वाहिगुरु तू सारे जीवा नू दाता देन वाला है ते सारे दे सिर ते
तू आप ही राखा है। सत्संगत ये बचन कहने रब सारिया नू दाता देंदा है, हर बंदे वास्ते बड़े सौखे होंगे, पर इनू जीवन विच वर्तन वाले बहुत घट मिलनगे। वेखो असी रोज सुनाउन वाले सुनाई जा रहे हैं, ते आप श्रोता बन के सुनन वाले सुनी भी जा रहे हो। आपां नूं सारियां नूं पता है कि रब कैसा दाता है। दुनिया के अंदर दाते बहुत मिल जाएंगे, पर हर थां हर समय हर एक नूं देन वाला केवल ते केवल वाहिगुरु है, दुनियावी कोई दाता नहीं। फिर ध्यान देवियो, बारी दे आधार ते हर समय हर थां हर एक नूं देन वाला केवल ते केवल वाहिगुरु परमात्मा है। ते महाराज ने सानू शब्द दे राही ए दात दिती, जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम। या आपा ए बचन पढ़ते हाँ, दद्दा दाता एक है सब को देवन हार। ये भी बचन आप जी पढ़ते हो, तू दाता दातार तेरा दिता खावड़ा। मैं ये बचन इस वास्ते सांझे कर रहा कि जदो दाते दी गल आ जांदी, दातार दी गल आ जांदी, असी ये सारे प्रमाण वरतदे हां, इथों तक भी वरतदे हां कि रब्बा तू ऐसा दाता है कि जीवा नू बाद विच भेजदा है ते रोजी दा प्रबंध पहला करदा है। पहलों दे तैं रिजक संभाहा, पिछों दे तैं जंत उपाहा, तुद जेवड़ दाता अवर ना स्वामी। मालक तेरे वर्गा होर कोई नहीं, रब सारिया नू दाता देन वाला है। पर सात संगत ख्याल करियो, आज ये गल पढ़न वाला पढ़ाउन वाला कई वारी केवल ते केवल रोजी दी खातर दात दी खातर ईमान नूं वी दांत ते ला देंदा है। ईमान अपना दांत ते ला देंदा है। जिन्हां नूं ये विश्वास हो गया रब सबना नू देन वाला है, रब सब नू देंदा है, वो आखदे ने जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट पीतर हाट चलावे, कर बंदगी शाड मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, सब ऊपर पार ब्रह्म दातार, काहे रे मन चितवै उदम, जा आहर
हर जियो परया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर तरया। गुरु अर्जन देव जी महाराज रहाओ दे बंद विच कृपा कर रहे ने सब जीवा नू दाता देन वाले पार ब्रह्म वाहिगुरु जी सब उपर तो सारे जीवां दे सिर ते रख है। एक गल तो आप बाणी दे राही पढ़ते हैं ना भी जिस दे सिर दा ओ रखवाला बन जांदा है ओनू फिर किसी तरह का कोई डर नहीं व्यापदा। इथों तक कि वो मौत तो भी नहीं डरदा पर कौन है वो उसकी निशानी की है। सोही राग दे अंदर आपा बचन पढ़ते हैं जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सौ दुख कैसा पावै पर नारी कृपा की बोल ना जाड़ै माया मद माता। रब जी जिस दे सिर ते तू रखवाला बनदा है ओ दुख किवें पा सकदा है पर जिस दे सिर दा तू रखवाला बन जाने ओ फिर माया तेरे कोलो प्राप्त करके आकड़दा नहीं हौमे वाले बोल बोलदा नहीं। रब करे लोड़ वास्ते गुजरान वास्ते सानू सबरां नू माया दी दात प्राप्त होवे पर सात संगत एक गल तो बच के रहना एक गल तो हमेशा सुचेत रहने दात मंगनी है पर दात नू पा के हौमे दा अफारा ना चढ़े हौमे दे विच बंदा आकड़े ना क्योंकि जिस उत्ते ओ रखवाला बन जांदा है महाराज आखदे ने ओ ता माया दे बोल बोलदा ही नहीं आत्मक मौते कदी मरदा नहीं। बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे मरना चीत ना आवे तो पाप आत्मक मौत उन्दे नेड़े नहीं ढुकदी। इत्थे महाराज कृपा करदे ने सब जीवा नू दाता देन वाले वाहिगुरु तू सारे जीवां दे सिर ते रखै सानू तेरी ही ओट है तेरा ही आसरा है तेरी टेक तेरा आधार। ये गल आप सारे कहने भी रब तो बगैर तो कोई और आसरा ही नहीं और कोई सहारा ही नहीं। पर प्यारियो याद रखियो जिन्हां नू रब दा सहारा रब दी टेक रब दी ओट मिल गई फिर किसे होर आस दी जिहड़ियां बगाड़ियां ने उन्हां टेकां दी कदी अपने मन अंदर आस नहीं करदा। पढ़दे हन नानक टेक भई करते की होर आस बिदानी लाही धर जियरे एक टेक तो लाहे बिदानी आस। नानक नाम त्याई कारज आवै रास क्योंकि किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई किस ही धड़ा किया सिखदार चौधरी नाल अपने सुआई हमारा धड़ा हर रहा समाई ठाकुर जियो तुहारो परन। इथे महाराज कृपा करदे ने सारे जीवा नू दाता देन वाले वाहिगुरु जी
तू सब जीवन दे सिर ते राखा है, सानू जीवन नू केवल ते केवल तेरी टेक है ते तेरा ही आसरा है। ये गल कह के हुण पहले बंद दे अंदर कृपा किवें कर रहे ने सतगुरु, आओ सरवन करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिलंग घर दूजा महला पंजवा। एक गल मैं बेनती करया करदा, पाठ करन वाले सारे प्रेमियां नू तिलंग राग है, राग वखरी चीज है ते महला जिहड़ा है ना ये वखरी चीज है। ये ठीक है काली दे विच असी कह जाने श्री राग महला पंजवा, तरा श्री महला पंजवा नहीं। अज इत्थे जिहड़ी गल आई उहनूं ध्यान विच रखियो, तिलंग महला पंजवा घर दूजा नहीं लिखिया, सतगुरां ने लिखिया पहला तिलंग वखरी चीज है, रुक जा राग, फिर लिखिया घर दूजा। घर दूजा दा भाव है कि इस शब्द नू गायन करन वालिया ध्यान रखी, घर दूजे दे अंदर इनू राग ताल दे अंदर गाड़ा है। फिर अगे कृपा कीती महला पंजवां, भाव ये पंजवें स्वरूप गुरु नानक पातशाह जी दे जिहड़े हन गुरु अर्जन देव जी, ये उन्हां दा शब्द है। पाठ करन लग्या इनू पढ़ना तिलंग घर दूजा महला पंजवा, क्योंकि छेती दे विच आ जिहड़े पाठ करने आपा आरंभ कर दिते ने सिद्धांत जिहड़े ने ओ बाणी दे पाठ करन दे फिर सानू चेते नहीं रहिंदे। हुण साध संगत जे 9 बजे पाठ रखिया है ते वहिमां वालिया ने भरमां वालिया ने कह दिता भी 8 बजे भोग पैना चाहिदा है, एक घंटा पहला। बहुत सारे प्रेमी मिलते ने भाई साहब जी घंटा पाठ पहला भोग पाना चाहिए, ते मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा 48 दी जगह 50 घंटे लग जान, 55 लग जान, पर पाठ प्यार नाल करो प्यारियो। ये कोई वहम नहीं कि आपां जे 8 बजे रखिया ते 7 बजे ही भोग पाना, क्योंकि काली विच पाठ करन दा जिहड़ा है ना ये सानू सिद्धांत भुल गए ने, अर्ध विश्राम भुल गए ने, विश्राम भुल गए ने, ते जिहड़ा उचारण पक्ष है वो रब आसरे। फिर ध्यान रखियो तिलंग घर दूजा महला पंजवा, इसका पाठ यो करना है। तिलंग राग का नाम है, घर दूजा शब्द नू गायन करन दी हदायत है कि घर दूजे दे अंदर करना है। महला पंजवा ये पंजवें स्वरूप गुरु नानक पातशाह जी दे गुरु अर्जन देव जी महाराज का उचारण किया होया शब्द है। तुद बिन दूजा नाही कोई, तुद बिन दूजा नाही कोई, रब जी तू अपने वर्गा आप है, तेरे वर्गा होर कोई नहीं। यों कह लो कि उसका शरीक कोई नहीं, बराबरी करने वाला कोई नहीं। इस वास्ते कलगीधर महाराज ने निरशरीक शब्द जिहड़ा ना जाप साहब की बारी दे अंदर वरत्या है। दुनिया के अंदर हर बंदे का शरीक है, पर तेरा शरीक कोई नहीं, तेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं, तू अपने वर्गा आप है। तुद बिन दूजा नाही कोई, रब जी तेरे वर्गा तू आप है, होर कोई नहीं।
तू करतार कर है सोए। क्योंकि रब अपनी वर्गा आप क्यों है, रब अपनी वर्गा आप इस वास्ते है कि वह जो करता है जगत दे विच ओह कुछ होंदा है। तू करतार करें सो होए, रब जी करतार जी तू जो करना है ओह कुछ होना है। तेरी मर्जी तो बगैर जीव कुछ नहीं कर सकते, तू जो करेगा ओह कुछ होएगा। सत्संगत ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦਾਈ, ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਪੜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਖਦੇ